नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मित्तल टेक्निकल्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और सब लोग की अच्छी अर्निंग हो रही होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इलेक्ट्रोनियम के बारे में, कुछ आपको इंपॉर्टेंट अपडेट दूंगा, साथ ही आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे उसके वॉलेट में लॉग इन कर सकते हैं। पिछली वीडियो आप देख सकते हैं मेरी, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे उसमें लॉग इन करना है, कैसे आप अपना वॉलेट चेक कर सकते हैं, आपके वॉलेट में क्या कितना बैलेंस है आप उससे चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे आपको रेड बटन दिख रहा है, इसको दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे आपको एक बेल का आइकन दिख रहा है, आप उस पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं नई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो चलते हैं अपने कॉन्टेंट की तरफ। सबसे पहले मैं आपको उसकी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, वेबसाइट पे आपको उसका मेन इंटरफेस दिखा देता हूँ कैसा दिखाई देता है। देखिए मैं इसकी इलेक्ट्रोनियम की वेबसाइट पे आ चुका हूँ, मेरे को जो मेन इंटरफेस दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे आप मेरे इलेक्ट्रोनियम देख सकते हैं, जो मेरे इलेक्ट्रोनियम यहाँ पे हैं, मेन इंटरफेस आपको कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे मैनेज वॉलेट का ऑप्शन है, एक्सचेंज का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। और आपको अगर क्रिप्टोपिया पे सेंड करना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये अभी एक ही वॉलेट पे आया है, एक ही एक्सचेंजर पे आया है, क्रिप्टोपिया पे ओनली, और कुछ ही टाइम पे ये बिट्रैक्स और पॉलोनिक्स पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं अभी इसको सेल आउट करना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंड ईटीएन का ऑप्शन है, यहाँ पे सेंड ईटीएन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास एक वॉलेट एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा, आप अपना वहां पे वॉलेट एड्रेस डाल देंगे। वॉलेट एड्रेस जैसे आप अपना डालते हैं तो आपके क्रिप्टोपिया पे आपके इलेक्ट्रोनियम सेंड हो जाएंगे, वहां से आप बाय सेल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको क्रिप्टोपिया के वॉलेट में लेके चलता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने क्रिप्टोपिया का वॉलेट यहाँ से ओपन कर लिया है, और आप लोग अभी इसकी रेट देख सकते हैं, करंट में जो इसकी रेट चल रही है वो चल रही है 401 सतोशी। आप लोगों को मैं कॉइन मार्केट कैप भी खोल के दिखा देता हूँ, उसका जो आपको रेट चल रही है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए जो कॉइन मार्केट कैप में रेट चल रही है वो चल रही है 0.06। अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोगों ने अगर इसको आईसीओ में बाय करा है तो अभी भी आप लोग 6 गुना इसके प्रॉफिट में। अगर आप लोग चाहते हैं तो आराम से ईटीएन की साइट पर जाके, इलेक्ट्रोनियम की साइट पर जाके सेंड ईटीएन करके अपने क्रिप्टोपिया का वॉलेट एड्रेस डाल के इसको क्रिप्टोपिया में अपने जो सारे इलेक्ट्रोनियम है आपके यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, और यहाँ से बाय और सेल कर सकते हैं। बट मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा आप अपने इलेक्ट्रोनियम को बिल्कुल सेंड ना करें, क्योंकि इसकी डॉलर आने वाले टाइम में, सॉरी इसकी रेट आने वाले टाइम में $1 जा सकती है या उससे भी ऊपर जा सकती है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत हाई है। तो अगर आप लोग अभी सेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसको सेल नहीं करूंगा, और मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि अभी इसको सेल आउट मत करिए। और अभी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि इसका कैसे प्रोसेस करना है। आप लोगों को जो आपने ईमेल आईडी इलेक्ट्रोनियम में डाली थी उस पर आपको एक मेल आया होगा, आप करेंगे क्या, उस मेल को ओपन कर लेंगे। जैसे आप उस मेल को ओपन करते हैं वहां पे आप लोगों के पास ईमेल मांगेगा, ईमेल मांगने के बाद आप करेंगे क्या, आप अपना ईमेल फिल कर देंगे। ईमेल फिल करने के बाद आपका एक और मेल आएगा, उस मेल पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपका ईमेल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, देखिए आपको 4 स्टेप जिसमें यहाँ पे फॉलो करने हैं। फर्स्ट आपको अपना ईमेल वेरीफाई करना है, सेकंड वाली स्टेप में आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन एक दो बार आप ट्राई करेंगे तो मोबाइल नंबर वेरीफाई ईजिली हो जाएगा। आप अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे और अपना फोन नंबर एंटर कर देंगे, जब आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आप फिल कर देंगे, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तीसरे स्टेप की तरफ जाएंगे तो आपको अपना पिन सेटअप करना है। पिन सेटअप करने के लिए आपको अपना 5 डिजिट का कोई भी पिन रखना है, लेकिन पिन ऐसा यूनिक रखिएगा ताकि आप लोगों की कोई दिक्कत ना हो, आप लोगों का इलेक्ट्रोनियम हैक ना हो। तो जैसे आप पिन रख लेंगे, नीचे वाले ऑप्शन में आपको पिन कंफर्म कर देना है। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन आता है वो आता है पिन रिकवरी। अब आप लोग करेंगे क्या, इस पिन रिकवरी में आप अपना कोई भी प्राइमरी ईमेल डालेंगे, जो कोई ऐसा ईमेल डालेंगे जो आप लोगों ने इलेक्ट्रोनियम में यूज नहीं किया, जिससे होगा क्या, अगर आप लोग पिन भूल भी जाते हैं तो वो ईमेल से वो रिकवर हो जाएगा इजीली। जैसे आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होता है आप कर लेंगे इसके मेन डैशबोर्ड में एंटर, और मेन डैशबोर्ड मैंने आप लोगों को दिखाई दिया था जो इसका मेन डैशबोर्ड कैसा दिखाई देता है। देखिए आप देख सकते हैं इसका मेन डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखाई देता है, आप लोगों को सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे इजीली। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आप लोग यहाँ पे इजी लॉग इन कर पा रहे होंगे। अगर आपकी फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आप लोगों की जरूर सहायता करेंगे। और ऐसी इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।